नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत प्यारा सा ये पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। बहुत खूबसूरत पैटर्न है, देख सकते हैं आप। किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बैक साइड से ये इस तरीके का दिखता है। आप किसी भी प्रोजेक्ट पर इसे बना सकते हैं, चाहे वो लेडीज़ कार्डिगन हो, जेंट्स स्वेटर हो, बेबी सूट हो, सभी पर बहुत इजी लगता है। और इसमें बीच में आपको देखिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बॉर्डर जैसे बनाते चले जाना है और सिर्फ 6 रोज़ में ही आपको डिज़ाइन डालना है। अब ये जो आप बॉर्डर जैसी लाइन है, आप 8 रो भी कर सकते हैं, 6 रो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 रोज़ किया है। और फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आ रहे लाल कलर के बटन को दबा दें, घंटी को भी बजा दें। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पर सीख लेते हैं हम पैटर्न किस तरीके से बना है। इसे बनाने के लिए हमने 4 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं। 4 के मल्टीपल में ही ठीक रहेंगे, आप कहीं पर भी कम ज़्यादा मत कीजिए। 4 के मल्टीपल से ही हमारा सब बैलेंस सही आ जाएगा। देखिए, 3 फंदे मैंने सीधे बनाए हैं, 2 उल्टे बनाए हैं। ये मैं 4 रो जो हैं बिल्कुल बॉर्डर की तरीके से बनाऊंगी बीच में। तो ये हमारी तीसरी रो है, 2 रो में बना चुकी हूँ आप लोगों का समय बचाने के लिए। तो 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट और आखिरी में 3-3 फंदे हमारे सीधे आने चाहिए। देखिए, 2-3 धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ से आखिरी तक 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बनाते हुए चले जाएंगे हम। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 6 रो तक हमें यही मतलब 4 रो तक हमें यही करना है। आप 6 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। उसके बाद में ये यहाँ से हमारी वो 6 लाइन चालू होंगी जहाँ पर हम पैटर्न बना रहे हैं। देखिए, पहला फंदा मैंने उतार लिया है और अब देखिए 2 फंदों का मैंने 1 फंदा बना लिया है। अब इन 2 फंदों को इस तरीके से बैक लूप से 2 का एक करेंगे। देखिए, बैक लूप से कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर हमें 1, देखिए 2, क्योंकि अब इधर का फंदा भी हम एक माइनस करेंगे, 1 उल्टा और 1 सीधा लेकर। सीधे वाले फंदे को हमने टर्न कर लिया है और 1 उल्टा मिलाकर 2 का 1 कर दिया है। अब ये देखिए, फिर से ये बैक लूप से हम 2 का 1 कर रहे हैं। थोड़ा सा इसे लूज कर लेते हैं। तो मैं इसे फर्स्ट रो काउंट कर रही हूँ, बीच की जो हमने वो रो की हैं। तो ये फर्स्ट रो है हमारी, ये देखिए 2 का 1 करना है। तो यही हमें अपनी पूरी रो में रिपीट करना है। फर्स्ट रो में इसी तरीके से हम अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड रो देखिए, पहला फंदा सीध उतार लिया, आप चाहें तो बना सकते हैं। 2 और ये देखिए हमारी यहाँ पर जानवर आ गया है। तो इस जाली को हम बना लेते हैं। 1-2 और 2 फंदे बनाने के बाद यहाँ पर हमारे 2 जानवर जो एक साथ थे वो आ गए हैं। 1 और यहाँ से ये दूसरा। तो ये ही हमें रिपीट करना है अगेन एंड अगेन। 2 और ये देखिए इस तरीके से 1 और ये 2। फ्रेंड्स, थर्ड रो है हमारी ये। थर्ड रो में देखेंगे हम एज स्टिच उतारा, 1-2-3 फंदे हमारे ये बन चुके हैं। अब ये जो फंदे हमने इधर उधर किए थे, हमने 2 का 1 किए थे, उन 2 फंदों को हम इस तरीके से शिफ्ट करेंगे। उन 2 फंदों को हमें शिफ्ट करना है और इन्हें सीधा बुन लेना है। दोनों फंदों को शिफ्ट करके हमें सीधा बना लेना है। और ये बीच के जो हमारी जाली थी, जानवर थे, तो उन्हें भी हम सीधा बनाएंगे इस रो में। ये थर्ड रो है हमारी। अब देखिए, ये 2 फंदे जो हमने 2 का 1 किए थे, आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। पहले हमने बाद वाला बना लिया
और बाद में हमने पहले वाला बना लिया, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ये देखिए कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब देखिए फोर्थ रो, ये देखिए फोर्थ रो, जो ये फंदे हमारे इधर से इधर को आए गए हैं, इन फंदों को हमें सीधा बनाना है। बीच के जो यानवर है इन्हें हमें उल्टा बनाना है, मतलब इधर से सीधा बनाएंगे फोर्थ रो में, इधर से सीधा बनाएंगे हम और उधर से उल्टा। ये एक दो, अब देखिए यहाँ पर ये दो फंदे हमारे, ये दो फंदे जो हमारे इधर उधर हो रहे हैं, इन दोनों फंदों को हम इधर से उल्टा बनाएंगे। ये देखिए ये दोनों फंदे हमारे इधर उधर हुए हैं और ये दो बीच में यानवर जो हैं उन्हें हम बिल्कुल इधर से सीधा बनाएंगे। एक दो, धागा अपनी ओर करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे पीछे करते हुए इसी तरीके से दो उल्टे दो सीधे फंदे हम बना लेंगे। फिफ्थ रो देखेंगे, पहला फंदा मैं उतारूंगी, आप चाहें तो बना लीजिएगा। धागा अपनी ओर करेंगे, दो फंदे हम, एक फंदा उल्टा बनाया, धागा पीछे किया, यानवर किया और इन दो का हमने फिर से एक कर दिया, दो का हमने एक किया। अब यहाँ पर हम यानवर कर रहे हैं दो बार। अब इस फंदे को हम टर्न करेंगे और फिर से दो का एक कर दिया, एक सीधा वाला फंदा लेकर और एक उल्टा वाला फंदा लेकर। ये देखिए यहाँ पर फिर से हम बैक लूप से दो का एक कर रहे हैं, एक सीधा और एक उल्टा लेकर। यहाँ पर फिर से दो बार हमने यानवर किया और इस वाले फंदे को फिर से हम एक तरीके से आप समझ लीजिए जैसे आपने पैटर्न की फर्स्ट रो बनाई है, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी करनी है। फिफ्थ रो में भी सेम वही चीज़ करनी है फिफ्थ रो में। सिक्स रो देखेंगे, जैसे कि आपने पैटर्न की सेकेंड रो बनाई है उसी तरीके से हमें ये बनानी है। ये देखिए यानवर और एक बार इधर से दो फंदे हमने सीधे बना लिए, उल्टे बना लिए, अब यानवर है। सो फ्रेंड्स, आपको इसके बाद में फोर रो जो है, फोर सिक्स एट जो भी आप बीच में गैपिंग रखना चाहते हैं इनके बाद में, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आप सिक्स रो काउंट करते हैं या एट रो गैप करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ चार रो काउंट किए। देखिए ये वाले जो फंदे जा रहे हैं सीधे हमारे, ये ही हमारे यहाँ पर सीधे बनेंगे, दो सीधे दो उल्टे यहाँ से चालू हो जाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए फोर रो की गैपिंग है मेरी, आप एट की कर सकते हैं, सिक्स की करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान।